वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपटे। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक यहाँ पे लेने वाला हूँ वो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, और एक ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे 8 to 10 एमसीक्यूज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। लेकिन हर एक ऑप्शन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ विच ये 8-10 क्वेश्चन से आप ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम 100 तक क्वेश्चन आप अलग अलग टाइप के बना सकते हो, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में दीज क्वेश्चन आर डिपेंड ऑन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, सो दैट फ्रॉम ईच पाथवे यू विल मेक मेनी क्वेश्चन। तो इसीलिए ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, और इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपटे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में हो, जो कि ये वीडियोस बीएससी एमएससी लाइफ साइंसेस एज वेल एज दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ गेट एज वेल एज स्टेट एग्जाम और दोज प्रिपेयरिंग फॉर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स, तो इन सभी को ये वीडियोज यूजफुल रहेंगे। इसीलिए अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियोस लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझ में अच्छी तरह से आए। सो लेट्स स्टार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो फ्रेंड्स, so whatever that questions I am taking here, that will be on this carbohydrate metabolism. So our today's topic is carbohydrate metabolism. So all of you know that there are different metabolic pathways are there in this carbohydrate metabolism. So as I told here, I will take 8 to 10 questions I will take here, and these questions will be very important to all of you, those who are preparing for BSc, क्योंकि अभी मार्च महीने में अप्रैल महीने में जो हमारी विंटर एग्जाम अभी तक नहीं हुई है बिकॉज ऑफ COVID-19 पैंडेमिक, उसके बाद समर 2021 की एग्जाम आएगी, तो ये सबके लिए MSc हो BSc हो एनी सब्जेक्ट लाइफ साइंसेस का कौन सा भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट में बायोकेमिस्ट्री वहाँ पे होता है, चाहे दोज प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF और दोज प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट एग्जाम, दोज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, और दो स्टूडेंट्स वो आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर MSc एंट्रांस एग्जाम। ओके, तो इन सब के लिए ये जो आज का वीडियो है सबके लिए यूजफुल है, सो वॉच दिस होल वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सी द फर्स्ट क्वेश्चन नेम द पाथवे फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस, नेम द पाथवे फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस बाय नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स, बाय नॉन कार्बोहाइड्रेट्स प्रीकर्सर्स। क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा कि आपको उस पर्टिकुलर पाथवे का नाम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है जिसकी सहायता से वहाँ पे ग्लूकोज सिंथेसिस होता है, एंड दैट इज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स, मतलब जो भी प्रीकर्सर्स से यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट टाइप्स के नहीं है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है, और उस पाथवे का नाम आपको
आइडेंटिफाई करना है, ये चार ऑप्शन में से चूज करना है। ऑप्शन वन है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, उसके बाद ऑप्शन बी है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ऑप्शन डी है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। इस चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो है सी ऑप्शन, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय यूजिंग नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स। ओके, तो अगर इसका अभी मैं आंसर, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर सी है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। लेकिन हम बाकी के जो ऑप्शंस है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ताकि अगर उस पे भी कोई एमसीक्यूज आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आया, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकोगे। सो दैट जो पहली कंसेप्ट है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है वो है दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। सो व्हाट इज मीन बाय ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइको मीन्स हियर दैट इज ग्लाइकोजन। ओके, दिस इज ऑल्सो इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड हियर, एंड जेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस। सो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, सो हियर ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है, ग्लाइकोजेनेसिस इट इज नथिंग बट द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। सेकंड जो यहां पे है ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइको मीन्स हियर दैट इज ग्लूकोज और शुगर वी कैन सी हियर ग्लाइकोलाइसिस, एंड लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और शुगर दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर और that is known as glucose, it is called as glycolysis. Lysis का मतलब breakdown. तीसरा option जो यहाँ पे मैंने already बताया, that is third option is gluconeogenesis. इसका मतलब क्या है? Gluconeogenesis. अगर इसको हम समझ लेंगे gluconeogenesis. Okay? So gluco मतलब glucose. So what is the meaning of gluco here? ग्लूको मतलब ग्लूकोज, उसके बाद नियो मीन्स न्यू, एंड जेनेसिस मतलब है सिंथेसिस और फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस और फॉर्मेशन। ओके, सो दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड एज gluconeogenesis. So that is nothing but the, it is the pathway for the formation or synthesis of glucose. It is called as gluconeogenesis. Okay. Or चौथा option जो है यहाँ पे वो है glycogenolysis. So what is the meaning of this glycogenolysis here? Glycogeno lysis. Okay, so here glycogeno means here glycogen and lysis ka matlab hai breakdown. So synthesis, that is breakdown of glycogen, breakdown of glycogen, it is called as glycogenolysis. To ye char concept ho gaya, matlab agar ye question कौन से भी पॉइंट पे आ गया यहाँ पे, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस पे हो, डेफिनेशन पे, तो आपके समझ में आया होगा अभी तक कि व्हाट इज मीन बाय दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस, व्हाट इज मीन बाय दिस ग्लाइकोजेनेसिस, व्हाट इज मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस,
एंड व्हाट इज मीन बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, दैट इज अबाउट दी ग्लाइकोजेनेसिस। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस पे। तो ये क्या प्रोसेस है, डेफिनेशन तो मैंने आपको यहाँ पे बताई। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है दैट इज दी प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन विच दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दे गेट कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, दे गेट कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। सो दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। एंड दिस प्रोसेस इट इज स्पेसिफिकली एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड। सो वेन वी आर इन अ रेस्टिंग फेज और रेस्टिंग पीरियड एक्टिवेटिंग इन रेस्ट, सो वेन वी आर इन अ रेस्टिंग पीरियड और रेस्टिंग फेज देन दिस प्रोसेस गेट एक्टिवेटेड एंड दिस ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन विच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। एंड आफ्टर दैट देर इज अ ऑकरेंस ऑफ वन स्पेशल प्रोसेस which is called as Korae cycle. It is known as Korae cycle. So what is this Korae cycle here? So this Korae cycle, it is also called as lactic acid cycle. Korae cycle, it is also called as lactic acid cycle. Okay, that is also called as Korae cycle or lactic acid cycle. And the name of this Korae cycle, it is given by the name of that is its discoverer. So this Korae cycle, it is discovered by that scientist known as Carl Ferdinand and Gertie Korae. These two scientists, they discovered this Korae cycle, and in honor of their names, this lactic acid cycle, it is called as Korae cycle. So what is this Korae cycle? So this Korae cycle, it is the metabolic pathway in which the lactate or lactic acid, which is produced during anaerobic glycolysis. So there is a anaerobic, that is in absence of oxygen, so anaerobic glycolysis is takes place here, and that is in muscles. Okay, in muscles this anaerobic glycolysis takes place, and this anaerobic glycolysis in muscles, it results into the formation of lactate or lactic acid. So this lactate or lactic acid, later on it get transported to the liver. So this lactic acid or lactate produced in the muscles through this anaerobic glycolysis, it get transported to liver. Liver mein iska transportation hota hai, and in liver it get converted to glucose. Liver mein is lactic acid ka aur lactate ka conversion kis mein hota hai? Glucose mein hota hai. So this is taking place in liver, and after liver this glucose again cyclically, that is liver get converted, in liver it get converted to glucose which returns to muscles. Later on for anaerobic glycolysis it get back to muscles, or muscles mein aane ke baad again it get cyclically metabolized into this lactic acid. Okay, so this is the lactic acid cycle, and which is also called as Korae cycle. To kya hota hai is Korae cycle mein ya fir lactic acid cycle mein? This Korae cycle, it is given name by the discoverer, that is Carl Ferdinand and Gertie Korae, and this lactate is produced in muscles through this anaerobic glycolysis which later on get transported to liver, and in liver it get converted to glucose. This glucose later on get entered into muscles, and again it get converted to lactate
through this anaerobic glycolysis. So this is called as lactic acid cycle, or that is called as Corey cycle. So this is about the some important points here. So if there is any question MCQ on this Corey cycle or this glycogenesis, you can easily solve. Or if you see this glycogenesis, now what are the different steps or reactions? So what are the steps in this glycogenesis here? Steps in glycogenesis. अभी प्रोसेस क्या है ये तो आपको पता हो गया. ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, व्हाट इज दिस ग्लाइकोजेनेसिस, नाउ विच आर द स्टेप्स हियर. एक सिंपल पाथवे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको. सो दिस इज द सो हाउ देयर इज द सो द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस. और यहाँ पे जो पाथवे है दैट इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन. सो here glucose, when there is a extra glucose is present, so this extra glucose it get converted to glycogen by the process called as glycogenesis. So this glucose get converted to glucose 6 phosphate. This is a reversible reaction, so it get converted to glucose 6 phosphate. Okay, then later on this glucose conversion of this glucose to glucose 6 phosphate, it is carried out by the enzyme called as hexokinase. So what is the name of that enzyme? That is called as hexokinase, and that is taking place in muscles. So ye khyal mein rakhiye ki MCQs wahan pe aa sakta hai ki the conversion of glucose to glucose 6 phosphate is carried out by following enzyme. To option yahan pe rahega aur correct option rahega hexokinase, जब मसल्स में होगा ये पाथवे. और दैट इज अनदर एंजाइम विच इज कॉल्ड एज ग्लूकोकाइनेस. ग्लूकोकाइनेस व्हेन दिस कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस इन द लिवर. अगर लिवर में कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो वहां पे एंजाइम कौन सा फंक्शन करेगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोकाइनेस. नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लेटर ऑन गेट कन्वर्टेड टू, this is also a reversible reaction, and this get converted to glucose 1 phosphate. So the product is here glucose 1 phosphate. So this glucose 6 phosphate get converted to glucose 1 phosphate. So by the enzyme called as phosphoglucomutase. What is the name of that enzyme here? Phosphoglucomutase. Okay, this is the name of enzyme which converts this glucose 6 phosphate to glucose 1 phosphate, and later on this glucose 1 phosphate again it get converted to that is known as UDP glucose, uridine diphosphate glucose, UDP glucose. And the name of this enzyme which convert this glucose 1 phosphate to uridine diphosphate, that is called as UDP glucose pyrophosphatase. What is the name of this enzyme? UDP glucose pyrophosphatase. Pyrophosphatase. UDP glucose pyrophosphatase. This is the name of enzyme which converts that glucose 1 phosphate to uridine diphosphate glucose. Okay. Then later on, this uridine diphosphate glucose, UDP glucose, get converted to alpha 1,4 glucosyl units. So later on there is a alpha 1,4 glucosyl units will be there, alpha 1,4 glucosyl units will be there, and this is carried out by the enzyme called as glycogen synthase. What is the name of enzyme here? Glycogen synthase. Okay. So this is the name of enzyme, that is glycogen synthase. And finally, this glucose alpha 1,4 glucosyl units, they get branched into the final product, metabolic product we can see here, that is glycogen. And the enzyme which functions here, that is called as branching enzyme. Branching enzyme, and there is the formation of this glycogen having the alpha 1,4 and alpha 1,6 glucosyl units. So glycogen may alpha 1,4 and alpha
16 ग्लूकोसिल यूनिट्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो ये सिंपल स्टेप्स है ग्लाइकोजेनेसिस के। प्रोसेस डेफिनेशन तो आपके समझ में आ गई, ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बाय द एंजाइम कॉल्ड एज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड टू यूडीपी ग्लूकोज बाय द एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेज, एंड दिस यूडीपी ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड टू α14 ग्लूकोसिल यूनिट्स बाय द एंजाइम कॉल्ड एज ग्लाइकोजन सिंथेस। एंड फाइनली दिस α14 ग्लूकोसिल यूनिट्स गेट ब्रांच टू ग्लाइकोजन। हैविंग दिस α14 एंड α16 ग्लूकोसिल यूनिट्स एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग एंजाइम। ओके, तो ये आपके समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन आ गया इस स्टेप्स पे, तो यू कैन ईजिली गिव द आंसर ऑफ सच क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे है लेटर ऑन, दो सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पे देखा है, वो सेकंड ऑप्शन था हमारा यहाँ पे, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? सो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि व्हाट इज मीन बाय दिस ग्लाइकोलाइसिस। सो तो सेकंड यहाँ पे है ऑप्शन ग्लाइकोलाइसिस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, ताकि अगर कोई एमसीक्यूज वहाँ पे उस पे आ गया तो यू कैन इजीली सॉल्व। सो दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। सो हियर ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है, ग्लाइको मीन्स जैसे मैंने बताया शुगर, और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज दैट इज कॉल्ड एज सिंपली ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन अगर हम डिटेल थोड़ा देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, तो पाथवे हम देखेंगे उसमें कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है, दैट वी विल सी। डेफिनेशन तो ऑलरेडी मैंने बताई यहाँ पे। सो दैट इज ऑल्सो द वन टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, एंड दैट कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरवेट और पायरविक एसिड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरवेट, एंड व्हाटएवर दैट फ्री एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज यूज टू फॉर्म द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स सच एज ATP एंड NADP, दैट इज NADH, ATP एंड NADH। सो दीज आर द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। ओके, सो दीज आर द फ्री एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस दिस ATP एज वेल एज दिस NADH विच आर हाई एनर्जी। सो दीज आर कॉल्ड एज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ओके, दीज आर कॉल्ड एज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। एंड अगर हम इसके स्टेप्स देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के, तो टोटल देर आर 9 स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस में अलग अलग प्रकार के 9 स्टेप्स है। सो इन शॉर्ट वो स्टेप्स हम देखेंगे और एंजाइम्स इन्वॉल्व हम देखेंगे। तो जो यहाँ पे जो प्रीकर्सर है, इनिशियल कंपाउंड है यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का, वो है ग्लूकोज विच इज़ अ 6-कार्बन शुगर, और उसके बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो रहा है वो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ओके, और जो एंजाइम्स यहाँ पे, द एंजाइम विच कैटलाइजेस दिस रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज, इट इज नोन एज हेक्सोकाइनेज। ओके, सो दिस इज द हेक्सोकाइनेज एंजाइम विच कन्वर्ट दैट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। देन लेटर ऑन अनदर एंजाइम इज हियर, दैट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आइसोमरेज। सो दिस इज सेकंड रिएक्शन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आइसोमरेज। दिस इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन, आइसोमरेज, एंड द प्रोडक्ट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज हियर, दैट इज फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ओके, सो द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज हियर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ओके, दिस इज द सेकंड रिएक्शन। देन लेटर ऑन दिस फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट बाय द एंजाइम कॉल्ड एज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज।
दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज. ओके एंड द प्रोडक्ट इज हियर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. ओके सो यहाँ पे फ्रुक्टोज है एंड एट फर्स्ट कार्बन एंड एट सिक्स कार्बन दैट फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. ओके दैट इज एंजाइम इज नोन एज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. देन दिस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. सो दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट. ओके इट गेट कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरालडिहाइड 3-फॉस्फेट. ओके इट गेट कन्वर्टेड टू DHAP दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरालडिहाइड 3-फॉस्फेट. ओके सो दिस डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरालडिहाइड 3-फॉस्फेट. सो हियर दिस टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म हियर एंड लेटर ऑन दिस डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट दिस आर इंटरकन्वर्टेबल. That is DHAP get converted to glyceraldehyde 3-phosphate or glyceraldehyde 3-phosphate get converted to DHAP. So, okay and this enzyme is called as aldolase enzyme. Name of that enzyme is aldolase enzyme. Again this glyceraldehyde 3-phosphate later on get converted to, so here there is a formation of 1,3-bisphosphoglycerate. Okay there is a formation of 1,3-bisphosphoglycerate. Okay and this reaction is catalyzed by the enzyme called as glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. The name of that enzyme is glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. This is the name of that enzyme which catalyzes this reaction and later on this 1,3-bisphosphoglycerate get converted to 3-phosphoglycerate and this is catalyzed by the enzyme called as phosphoglycerate kinase. So what is the name of that enzyme here? It is called as phosphoglycerate kinase. See this pathway I am explaining here because if you watch this whole video, so this pathway or these reactions or steps of glycolysis or other options that will be very helpful to make you that another MCQs or multiple choice questions. Phosphoglycerate kinase and this phosphoglycerate later on get converted to 2-phosphoglycerate. So later on it get converted to 2-phosphoglycerate and this 2-phosphoglycerate is formed with the help of enzyme called as phosphoglyceromutase. The name of that enzyme is phosphoglyceromutase. So this is the enzyme here, phosphoglyceromutase. Okay and this 2-phosphoglycerate now later on get converted to 3-phosphoglycerate. Okay this 2-phosphoglycerate get converted to phosphoenol pyruvate. So later on this get converted to phosphoenol. It get converted to phosphoenol pyruvate and this enzyme reaction is catalyzed by the enzyme called as enolase. Okay and this phosphoenol pyruvate later on produces 2 molecules of pyruvate or pyruvic acid. So later on this phosphoenol pyruvate it get converted to 2 molecules of
pyruvate or pyruvic acid, and the enzyme which catalyzes this reaction, it is called as pyruvate kinase. So this is the name of that enzyme, that is called as pyruvate kinase. So in this way this glycolysis process takes place. And next जो है, जो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का, वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया आपको कि ग्लूको का मतलब है न्यू, दैट इज ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, न्यू मीन्स न्यू एंड जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस और फॉर्मेशन। सो सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, एंड दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस इट इज प्रेजेंट इन और इट इज टेक्स प्लेस और ऑकर्स इन प्लांट्स। सो सिंपली हियर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स हियर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ओके, एंड इट इज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, देन इट इज टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, इट इज टेक्स प्लेस इन फंजाई, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट इज टेक्स प्लेस इन फंजाई, इट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया एज वेल एज इन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, एंड इन वर्टिब्रेट्स, दैट इज इन वर्टिब्रेट एनिमल्स दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस इट इज टेक्स प्लेस इन मेनली इन द लिवर, वेयर इट इज टेकिंग प्लेस इन वर्टिब्रेट एनिमल्स, इट इज टेकिंग प्लेस इन मेनली इन द लिवर एंड इन लेसर एक्सटेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी एंड इन लेसर एक्सटेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि दैट ग्लूकोनियोजेनेसिस इन वर्टिब्रेट्स, दैट ग्लूकोनियोजेनेसिस इट टेक्स प्लेस इन लिवर एज वेल एज इन लेसर एक्सटेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। किडनी के कॉर्टेक्स का जो पार्ट है, कॉर्टेक्स जो पार्ट है, वहाँ पे भी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है और उसके बाद दिस इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द लिवर इन केस ऑफ दिस वर्टिब्रेट एनिमल्स। ओके, सो दिस इज टेकिंग प्लेस इन लिवर एज वेल एज इन कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। नाउ अगर हम स्टेप्स वहां पे देखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के, सो आई विल टेक अनदर पेज हियर, जस्ट वन मिनट। सो इफ यू सी द स्टेप्स ऑफ दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड दिस प्रोसेस, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस अलॉन्ग विथ ग्लाइकोलाइसिस। सो दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस, सो दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस, जस्ट आई विल राइट अगेन हियर, डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ओके, जस्ट आई विल रब दिस, सी See these two processes, one is gluconeogenesis and glycolysis. Along with this glycolysis, this gluconeogenesis that is used by the humans and other animals, and these are used for the maintenance of blood glucose level. They maintain blood glucose level. Okay, this gluconeogenesis along with this glycolysis, they maintain blood glucose level. Or agar hum simple, kyunki ye glucose, agar aap dekhoge pathways gluconeogenesis and glycolysis, agar glycolysis is way mein chal raha hai, glycolysis, suppose this is the glucose here aur yahan pe pyruvate wahan pe rahega finally, aur kuch reactions add karke jo opposite pathway rahega wo rahega ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। ओके, ग्लाइकोजन दैट इज ग्लूकोज, नॉट ग्लाइकोजन, दैट इज ग्लूकोज जी। सो हियर दैट ग्लूकोज विल बी देयर अपोजिट, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, और अगर हम यहाँ पे पाथवे देखेंगे इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस का, सो आई विल ड्रॉ दिस पाथवे हियर, दैट इज पाथवे ऑफ दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस। सी हियर there is a acetyl coenzyme A, uske baad
और पायरुवेट एसिड एक्चुअली विच इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट, और यहाँ पे दिस फैटी एसिड्स, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस इट इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस, ओके दैट इज द डेफिनेशन। और हमारा क्वेश्चन भी वही है, फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम है, उसके बाद ये यहाँ पे पायरुवेट है, सो देर आर सम ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स आर देयर, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, बिकॉज दैट अमीनो एसिड्स एक्चुअली दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, सो दीज आर नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, सो दे गेट कन्वर्टेड टू पायरुवेट। देन लेटर ऑन दिस लैक्टिक एसिड, इट इज अ एसिड सो इट इज नॉन कार्बोहाइड्रेट, सो लैक्टिक एसिड ऑल्सो गेट कन्वर्टेड टू पायरुवेट एंड दिस इज अ रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलाइसिस रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड वन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज हियर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। देन लेटर ऑन इन लिवर एंड इन किडनी, लिवर एंड इन किडनी दैट इज इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ओके देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस हो गई, क्योंकि ये जो अमीनो एसिड्स है, उसके बाद ये फैटी एसिड है, उसके बाद ये लैक्टिक एसिड है, ये सब क्या है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस है, और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और लास्ट ऑप्शन जो हमारा है इसमें वो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जैसे मैंने पहले डेफिनेशन बताई, ग्लाइकोजन मीन्स लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड दिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस सो इट इज ऑल्सो अ मेन प्रोसेस दैट इज वेन देर इज अ नीड ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी एट दैट टाइम ऑटोमेटिकली दैट देर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टेक्स प्लेस एंड दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स गेट रिलीज विच एंटर्स इन टू द ग्लाइकोलाइसिस एंड लेटर ऑन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ ATP एनर्जी। सो इन दिस वे देर इज अ दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कम्प्लीटेड, ओनली वन क्वेश्चन वी हैव कम्प्लीटेड, बट होप ऑल ऑफ यू आपके सबके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा, उसका आंसर भी मैंने जो अदर ऑप्शन हैं करेक्ट आंसर तो मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन बाकी के जो ऑप्शन है वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। एक ही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन से एटलीस्ट 20 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ग्लाइकोलाइसिस पे अगर कौन सा भी क्वेश्चन आ गया या फिर ये इसमें से कौन से अलग अलग प्रकार के 20 क्वेश्चन भी आ गए तो भी आप इसका आंसर इजीली दे सकोगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियोस, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी अनदर MCQs। थैंक यू।